पूछना चाह रहा था, जब मैंने हाइलाइट्स देखी भाई, सैम आयुष राहुल, सैम अयूब ने यार क्या बैटिंग करी यार, और इन्होंने जिस तरीके से पीएसएल में पारियां खेली वो उनके शॉट देखकर लगता है ये खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तकसीर है, इस वीडियो में रिएक्शन करने वाला हूं मैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 में। बहुत ही तगड़ी विक्ट्री, मतलब 100 रन नहीं बनाने दिए यार पाकिस्तान ने, क्या तगड़ी जीत हासिल करी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इंडियन मीडिया ओपनली प्रेज पाक टीम ऑन ग्रेट विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड छोटी मोटी टीम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नई टीम ने उसको ऐसा हराया है, बहुत तगड़ा हराया है। चलो देखते हैं इंडियन मीडिया में क्या चर्चे हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सावनीग्राम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20 मुकाबला, और जिस तरह हमारे शाहीनों ने पहले कीवी बॉलर्स का भुरकस निकाला और फिर उनके बैटर्स एक ना चलने दी थ्रू आउट द मैच, यानी हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान उन पर हावी रहा और एक बड़ी और जबरदस्त जीत हासिल की, जिसकी एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट को जरूरत थी। इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के कई क्रिकेट लविंग ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड ट्रेंड कर रहा है, और उसकी कई वजूहात है। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जल्दी दो विकेटें गंवाने के बावजूद, यानी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मौजूद हैं, उसके बावजूद एक अच्छा स्कोर किया फखर जमान और साइम अयूब को क्रेडिट जाता है। और साइम अयूब के जो 140 प्लस बॉल पर छक्का था, उसने तो भारतीयों के सबसे ज्यादा दिल जीत। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा वही वीडियो शेयर हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर महफूज हाथों में है, क्योंकि साइम अयूब जैसा सितारा पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से पाकिस्तान को मिला है। उसके अलावा जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान में 11 में से तो 7 खिलाड़ियों ने बॉलिंग करवाई है। शाहिनशाह अफरीदी जैसे प्लेयर को 2 ओवर करवाने पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग का ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा साइम अयूब भी बॉलिंग करवा लेते हैं। एक अच्छा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान को एक फुल फ्लेज टीम की सूरत में एक पैकेज मिल चुका है, जो कि पाकिस्तान को T20 में इंशाल्लाह आगे भी कई फजूहत जरूर दिलाएगा। अब इस सारे मामले में जब पाकिस्तान ये मैच जीता तो भारत के मीडिया में एक भूचाल सा बड़पा नजर आया। पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह से प्रोपेगेंडा करने वाला मीडिया तो खामोश रहा, लेकिन वो सहाफी जो असर क्रिकेट लवर है, उन्होंने क्या कहा इस सारे मामले में, आइए आपको उन्हीं की जुबानी वो सारी रोदात सुनाते हैं। और मुकाबला खत्म हुआ, पाकिस्तान की शानदार जीत वहां पर देखने को मिली। न्यूजीलैंड ने यार बहुत निराश किया, जिस 94 पे ऑल आउट भाई, ये ऑलमोस्ट आप ये भी कह सकते हो कि फुल फ्लेज टीम भी नहीं थी ब्लैक कैप्स की ऑलमोस्ट। जा रहा था जब मैंने हाइलाइट्स देखी भाई, सैम आयुष राहुल, सैम अयूब ने यार क्या बैटिंग करी है। मैं कह रहा हूँ यार आकाश भाई, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी ना, बहुत जबरदस्त, दो प्लेयर हमें काफी टैलेंटेड लग रहे थे, ये सैम अयूब और एक जमान खान जो जमान खान, मगर यार ये दो प्लेयर एहसानुल्ला भी, मतलब इनके जो दो बॉलर है ना, जमान खान हो गए आपके या सैम अयूब हो गए आपके बैटर, तो उनमें टैलेंट उस तरीके का लगता है यार पाकिस्तान के लिए। अच्छा है कि इनके टैलेंट भाई आखिरकार निकल कर आ रहे हैं। सैम अयूब की वहां पर भी शायद एक पारी अच्छी आई थी, एक सीरीज में भी आई थी, और इन्होंने जिस तरीके से पीएसएल में पारियां खेली वो उनके शॉट देखकर लगता है ये खिलाड़ी लेकिन वहां से आप बैटिंग देखो, फखर जमान की पारी देखो, वहां से फिर हम सैम अयूब की पारी देखते हो, सारा मोमेंटम है ना सैम अयूब और फखर जमान की पार्टनरशिप पाकिस्तान को दे दिया सारा मोमेंटम। जो पाकिस्तान यार सैम अयूब ने, मतलब जो उसका स्ट्रोक प्ले है ना, आप बात करोगे जो रेंज, और यार भाई सुरेंद्र भाई सोढ़ी क्या बेन लिस्टर क्या एडम मिलने की पेस को भाई, मतलब उसने जो रूम बनाकर छक्का मारा था उसको, यार बॉलिंग भी नहीं जिला, जिमी निसम है, डैरियल मिचेल है, आप श्रीलंका को अभी सीरीज हरा के आ रहे हो, तो आपको अच्छा करना चाहिए यार, आप ये कोई बहाना नहीं है कि अभी मैं बताता हूं, नहीं है अभी बता, पाकिस्तान ने बेटर खेला और पाकिस्तान जीत गया जो आप बात, बिल्कुल डैरियल मिचेल है, आप देखिए चैपमैन है जिनके बारे में भी कहा जाता है T20 टीम का हिस्सा रहते हैं, ये सारे तो आपके खिलाड़ी, निशम इस टीम में है, रचिन रविंद्र, एडम मिलने, इस चोडी, मैट हेनरी, ये तो आपके मेन ही गेंदबाज है, T20 तो यही गेंदबाज आपके खेलते हैं। अरे पाकिस्तान की टीम की हम तारीफ करते हैं ठीक है, लेकिन भाई ये टीम T20 में हमेशा खतरा बनी रहती है, हमेशा भाई इनकी साइड है, और इनकी टीम में देखो ना, फखर जमान, सैम अयूब टैलेंटेड प्लेयर मिल गए, बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सदाब, इमाद वसीम, जमान खान, टिकाऊ प्लेयर तो थे, फास्ट बॉलिंग प्लेयर भी मिल गए भैया। एक जबरदस्त जीत के साथ जो है पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज का आगाज किया है, बेहतरीन टीम एफर्ट, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के जल्दी आउट होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो है 180 प्लस का टारगेट बनाया, और उसके बाद अपने तूफानी फास्ट बॉलर्स के दम पे ऊपर से जो है न्यूजीलैंड को तोड़ करके रख दिया। इस पाकिस्तान ने
टॉस जीता और पहले बैटिंग करी और अच्छा तोड़ के रख दी उनकी कमर, दीवार तोड़ दी। टॉस जीतती है और पहले फील्डिंग ले लेती है, ये नॉर्म जब कोई कैप्टन बदलता है तो मुझे खुशी होती है और वही कैप्टन ऐसा कर सकता है जिसको अपने बॉलर्स में यकीन होता है। और पाकिस्तान के बॉलर्स तो है ही वन ऑफ द बेस्ट दुनिया में, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, इससे अच्छी बॉलिंग लाइनअप आपको शायद ही कहीं किसी और टीम में दिखलाई दे इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में। पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ था, मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, रिजवान के बाद बाबर भी ज़्यादा नहीं टिके, हालांकि जितनी भी देर उन्होंने बल्लेबाजी की एक विराट कोहली का बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है बाबर आजम ने, दो चौके जमाने के साथ ही जो है अब बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में विराट से ज़्यादा चौके जमाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। अब दो चौके जमाते ही बाबर ने विराट को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज में अगर वो 20 चौके जमा देते हैं तो सबसे ज़्यादा चौके जमाने का टी20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। कमेंट यंग सैम अयूब, क्या जबरदस्त बैटिंग की है, क्या टाइमिंग, क्या स्ट्रोक प्ले, दिल खुश कर दिया सैम अयूब ने। ये लड़का फ्यूचर का स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, इसने अपना पोटेंशियल बार बार साबित किया है। पहले PSL बहुत बड़ा स्टार है भाई, सीरीज भी पहले दो मैच में फ्लॉप रहे थे लेकिन तीसरे मैच में जबरदस्त बैटिंग की थी और आज रनआउट नहीं होते तो हाफ सेंचुरी कहीं जा नहीं रही थी और जिस तरह की पिच थी, जिस तरह बाद में बैटिंग को असिस्ट कर रही थी पिच, सेंचुरी भी आ सकती थी सैम अयूब की, लेकिन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली रनआउट हो गए। केवल 28 बॉल्स पर 47 रन की लाजवाब इनिंग खेली है, 6 चौके जमाए, 2 छक्के जमाए। फखर जमान ने भी अच्छी बैटिंग की, 34 बॉल्स पर 47 रन बनाए, बढ़िया खेला बंदा जमान ने जो है, 4 चौके और 2 छक्के जमाए, लेकिन सैम अयूब आउट हुए और रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली हुई जाएगी और टीम की नया डवाडोल हुई भी, लेकिन बाद में इमाद वसीम ने 16 रन बनाए, फहीम अशरफ ने 22 रन बनाए और नीचे जो है हारिस रौफ ने 5 बॉल पर 11 रन, 1 चौका 1 छक्का और ये भी बहुत अच्छी इनिंग, छोटी सी लेकिन अच्छी इनिंग थी। और 182 तक जो है पाकिस्तान 20 ओवर में 20 ओवर था कि नहीं खेल पाया, 19.5 ओवर्स में जो है 182 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा। क्या ही गजब का परफॉर्मेंस जो है आज बाबर आजम और उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दिखाया है, मतलब आज जिस तरीके से गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। जिनको बता दूं कि आज पूरा का पूरा मैंने मैचेस देखे हैं और इस मैच में क्या प्रदर्शन हुआ है, टीम कोई भी टीम 160-170 डिफेंड कर सकता है इस पूरी दुनिया में, कोई एक टीम है वो पाकिस्तान है। लाहौर के 3 गेंदबाज आपके हैं, लाहौर कलंदर्स के जमान खान, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रौफ होते हुए, तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा मजबूत कि इनके पास हमेशा ये भरोसा रहता है कि हमारे खिलाड़ी जो है मैचेस जिता देंगे। और आज क्या ही कप्तानी हुई बॉलर्स है बाबर आजम से, जिस तरीके से 10 ओवर तक था हारिस रौफ को उन्होंने बचा के रखा था, शाहिन के 2 ओवर करा दिए थे, उसके बाद 2 ओवर जमान खान के करा दिए थे और जमान खान ने क्या स्पेल फेंका है आज अपना शुरू, जब आपके द ईगल शाहिन शाह अफरीदी जब अपनी गेंदबाजी से आग उगल रहे हो तो आपको इमाद वसीम की क्या काम है, क्या जरूरत है। इफ जिस तरीके से आज कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस रहा है इसी को कहते हैं टीम परफॉर्मेंस। कोई एक खिलाड़ी आपको एक ही मैच जिता सकता है लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीरीज जीते, आप डोमिनेट करो, तो पूरे के पूरे खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपको चाहिए होता है। परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, उसके इंडिया, इंडियन मीडिया में, इंडिया में जो चर्चे हो रहे हैं वो हमने सुने एंड ज़बरदस्त। सबसे पहली बात कैप्टेंसी, भले ही बाबर न चले हों कैप्टेंसी अच्छी की उन्होंने, हाँ उन्होंने कुछ बॉलर्स, मतलब मुझे इस बात पर हंसी आई कि पाकिस्तान में इतना तगड़ी बॉलिंग 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 भरी भरी पड़ी है पाकिस्तान में कि ओवर रोकने पड़ जाते हैं कुछ बॉलर्स के, उनको पूरे फेंक भी नहीं मिलते हैं ओवर। ये हालात है पाकिस्तान की टीम के भाई। पर से सैम अयूब भाई क्या ज़बरदस्त शॉट्स खेले, क्या ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल पारी भी खेली है उन्होंने, कि सिर्फ ये नहीं कि मारा तोड़ी करी और अपना नाम किया और भाग गए, मतलब थोड़ा सा स्कोर और बढ़े आगे को और मैं भी अच्छा परफॉर्म करता रहूं और स्कोर भी आगे बढ़ता रहे, इस तरीके से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तब उन्होंने पारी खेली। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी है बंदा, बहुत यंग है लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी है वो टीम के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त पारी और बॉलिंग भी करा लेता है भाई बंदा, बॉलिंग की तो कमी नहीं है। हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी, जमान एंड ये सैम अयूब, कितने बॉलर हैं यार, कोई भी बॉलिंग करा लेता है। टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा उसके बावजूद इतना स्कोर हुआ, बॉलिंग अटैक ने 100 रन नहीं बनाने दिए भाई, और क्या कहेंगे यार। वाकई में जो इंडियन मीडिया कह रहा था ये कि
ऐसा शायद ही किसी पर बॉलिंग लाइनअप हो। मैं भी यही मानता हूँ भाई, बहुत तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में। इंटरनेशनल टीम में क्या था, थोड़ी सी स्लो हो गई थी पाकिस्तान की टीम, थोड़ी स्लो चल रही थी, तो अब स्पीड वाली चीज़ें भी आ गई हैं उसमें, जैसे कि बॉलिंग बहुत अलग आ गई है, डिफरेंट टाइप की, एहसानुल्लाह और ये सब लोग जुड़ गए हैं, तो स्पीड भी आ गई है इमाद वसीम की आने से, स्पीड वाली बैटिंग साइम अयूब के आने से, स्पीड वाली बैटिंग में जो है वो थोड़ी सी स्पीड पुश की है, और जो स्लो चल रही थी बैटिंग वो थोड़ी सी तेज़ भी हुई है, तो अब परफेक्ट की तरफ जा रही है टीम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट होने की तरफ जा रही है, कि ये टीम किसी से भी भिड़ सकती है, कितनी भी तगड़ी दुनिया की टीम हो उससे भिड़कर जीत सकती है। यहाँ तक पहुँच गई है भाई ये टीम। आई एम एक्साइटेड कि मैं परफॉर्मेंस देखूं नए लड़कों के साथ, ये नई टीम क्या करती है। सो फिलहाल हम एंड करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।